हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई एम श्योर बहुत अच्छे हो। लाइफ इज़ अ जर्नी, एक ऐसी जर्नी जहाँ पे हम आए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, जीवन में कुछ बनने के लिए। इस जीवन को सक्सेसफुल बनाना है और उसके लिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना ही है। आज हम बात करने जाएंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज मैं फिर टॉपिक लेके आई हूँ बच्चों के रिलेटेड। बच्चे हमारा फ्यूचर है, सिर्फ हमारा ही क्यों, देश का भी फ्यूचर है, इस जनरेशन का फ्यूचर है, सोसाइटी का फ्यूचर है। आज के बच्चे, कल के युवा, बस हमें तय करना है कि हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आई नो, बट अदर देन एजुकेशन वन ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड फॉर आर चिल्ड्रन इज़ टू लर्न आर संस्कृति, लर्न आर कल्चर विच वी आर इग्नोरिंग। कल्चर क्या इम्पोर्टेंस रखती है? पहले के ज़माने में दादा दादी बहुत, घर में बड़े लोग बहुत जन होते थे, एक जॉइंट फैमिली होती थी, इस कारण घर में बहुत जन होते थे जो कि बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन वाली स्टोरीज सुनाते थे और उनके अंदर एक मतलब काफ़ी एक अच्छा वैल्यू सिस्टम जो होती है, वैल्यूज़ जो होती है वो उनके अंदर ऑटोमेटिकली डलता था विद हेल्प ऑफ दोज इंस्पिरेशन स्टोरीज। धीरे धीरे जॉइंट फैमिली का ट्रेंड कम हो रहा है एंड विद दिस ऑब्वियसली बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट तो पड़ा ही है कि ये जो इंस्पिरेशन वाली स्टोरीज़ है, ये जो कल्चर उनके अंदर डालना है, स्लोली दे आर आउट ऑफ इट। रादर आई हैव टू से दैट इवन हम बड़े भी अपने कल्चर, अपने रिलीजन के बारे में इतना नहीं जानते हैं एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर आर सोसाइटी, नीदर इट इज़ गुड फॉर आर सिविलाइजेशन। टू नो आर कल्चर एंड टू नो आर रिलीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। हमारे बच्चों को सुबह उठते ही उनको ईश्वर को याद करना, हाथ जोड़ के उठना बहुत ज़रूरी है। दिस ब्रिंग्स पॉजिटिव एनर्जी इन एवरी चिल्ड्रंस लाइफ। वी नीड टू टीच देम हाउ टू लाइक प्रे टू गॉड। उठते ही पहले हाथ जोड़ो भगवान को, लेट देम प्रे एंड देन जब हम लाइक स्कूल के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेट अस टीच देम कि एक बार घर में जो भी एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे आप मंदिर रखते हो या प्रेइंग प्लेस है, वहाँ पे हाथ जोड़ के निकलना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री, बट आप अपने सबको इसको अवॉइड करते हैं, बट बिलीव मी इट एड्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है अगर हम एक उपाय और करें तो। प्लीज़ आस्क योर चिल्ड्रन कि वो अपने माँ बाप, घर में जो भी बड़े हो, दादा दादी जो भी घर में रहते हो, या माँ बाप तो एटलीस्ट जो घर में रह रहे हैं, उनको रोज़ सुबह स्कूल जाने के पहले प्रणाम करके निकले। अब आपको हंसी आएगी, प्रणाम रोज़? हाँ जी रोज़, बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने पेरेंट्स को रोज़ प्रणाम करिए इफ़ दे आर देयर विथ यू। प्रणाम का महत्व कितना बड़ा है ये हम सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है प्रणाम का। कई विपत्ति से, कई प्रॉब्लम से ये हमको दूर रखता है, दे गिव अस स्ट्रेंथ, दे गिव अस करेज। ये जो प्रणाम करने की एक जो तरीका है, नॉट ओनली फॉरगेट अबाउट हमें विपत्ति से दूर रखती कि नहीं रखती, बट इट ब्रिंग क्लोज टू आवर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट आती है उनके प्रति। प्लीज़ आस्क योर चिल्ड्रन टू डू दिस। अपने बच्चों को जो भी धर्म आप फॉलो करते हो उस धर्म का श्लोक ज़रूर सिखाएं। जैसे मैंने अपने बेटे को हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, श्लोक सिखाया। घर से बाहर जाने के पहले वो हमेशा यही बोलता, राम राम नारायण नारायण राधे राधे, प्रवेश नगर कीजिए सबका आजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, सदा डाहिने भवानी, सन्मुख रहे गणेश, पाँच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ज़रूरी नहीं आपको यही श्लोक सिखाना है, आप कुछ भी सिखाएं जो आपके लिए सुविधाजनक हो या जो आपका रिलीजियन अलाउ करता हो, बट डू टीच देम। अपनी संस्कृति जानना बहुत ज़रूरी है एंड इट्स नॉट आउटडेटेड, नॉट आउट ऑफ फैशन, नॉट आउट ऑफ ट्रेंड।
अपना कल्चर रिलीजियन जानना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। जब हम भूल जाते हैं इनको, देन वी आर आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ कंट्रोल। दीज थिंग्स विल हेल्प अस टू ग्रो इन अ ब्यूटिफुल वे, इन अ पॉजिटिव वे। दिस विल ब्रिंग बाउंडिंग, मतलब इट विल बाइंड अस टूगेदर, इट ब्रिंग्स बॉन्डिंग। संस्कृति को याद करिए एंड प्लीज़ टीच योर चिल्ड्रन वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज। इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आए एंड आप ज़रूर से अपने बच्चों को ये सिखाएं। सबा खैर, बाय बाय, गुड नाइट। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी वेरी फाइन एंड गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स।